डी डॉलराइजेशन। आप समझिएगा डी डॉलराइजेशन क्या होता है, ये नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये ना काफ़ी ज़्यादा इस समय खबरों में है डी डॉलराइजेशन के मतलब। देखिए एक बार फिर से करता हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि आपको तो पता ही है कि इंटरनेशनल करेंसी कोई है तो वो है डॉलर, ठीक है, और सभी दुनिया में जो भी ट्रेड होता है दो कंट्रियों के बीच में मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि डॉलर के माध्यम से हो। डॉलर छापता कौन है, अमेरिका वाले छापते हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल, दुनिया का कंट्रोल जो है वो अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको अपने बैंक में डिपॉजिट रखना है, कुछ सामान चीज़ रखनी है करेंसी के रूप में, तो आपको डॉलर में रखोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ज़्यादा। जैसे कि अगर आप घर है, घर में अगर आपके पास सोना है, एक तरफ सोना ले लीजिए, एक तरफ आप लोहा ले लीजिए, तो किसका कलेक्शन करना आप बेहतर समझोगे कि बुरे वक्त में कौन साथ देगा, सोना कि लोहा। लोहे की भी कीमत है बट सोने के मुकाबले तो नहीं है। तो भले ही आपके पास दूसरी करेंसियाँ हैं लेकिन जितनी एक्सेप्टेबल करेंसी डॉलर है उतनी कोई और नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि डॉलर के माध्यम से ट्रेड वगैरह करते रहते हैं, और भी माध्यम होते हैं जैसे बायलेटरल में अलग अलग करेंसी होती है, लेकिन डॉलर ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अब प्रेफर की जाती है ये तो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं, लगातार बनते रहते हैं, जहाँ पर अमेरिका की हेगेमनी जो है, हेगेमनी का मतलब होता है कि जो लठैतपना है अमेरिका का, उसके वजह से लोगों का हो जाता है मूड ख़राब कंट्रीज़ का, और वो चाहते हैं कि जो अमेरिका इतना धौंस दिखाता है अपने डॉलर की, इसे कम किया जाए, और इसके तहत वो कुछ कदम उठाते हैं। और इसमें एक काम ये करते हैं कि जो अपने रिज़र्व में वो डॉलर रखते हैं उसको वो धीरे धीरे वो कम करने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है, कि जो डिपॉजिटिंग करना शुरू करते हैं, यानी कि हर कंट्री के पास, जैसे इंडिया के पास RBI है या और सबका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास जो डॉलर्स होता है उनको कहता है कि हम आपकी करेंसी को नहीं सेव करेंगे, हम दूसरे माध्यम से चीज़ों को देखेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, जब सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर को इकट्ठा करने की जगह उसको छोड़ दे और उससे दूर जाने लगे, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, ठीक है। अब ये खबर में क्यों आ गया, खबर में ये आ गए कुछ फैक्टर्स आ गए। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भाई अमेरिका बहुत मजबूत कंट्री है और डॉलर सबसे मजबूत है, तो इसलिए जो है पूरा ट्रेड जो है डॉलर में होना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ कि कुछ ऐसे समीकरण बदले कि अमेरिका का डॉलर जो है डेप्रिशिएट कर गया, भाई डेप्रिशिएट कर गया, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में, खासकर यूरो के कंपैरिजन में जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट कर गया, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, यहाँ तक कि 10% वो डेप्रिशिएट कर गया पिछले 6 महीने के अंदर, ठीक है। और यूरो मजबूत होता है हुआ और डॉलर कमजोर होता चला गया, ठीक है। इसी बीच में द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ बढ़ गया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, उधर उधर डॉलर की कीमत घट गई और गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो पूरी दुनिया जो है वो गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अब ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स सामने आए, ठीक है, और इनफैक्ट एक इसको काउंटर करने के लिए, इन दो चीज़ों को काउंटर करने के लिए, कौन सा, कि डॉलर का जो वैल्यू कम होना डिवैल्यूएशन और गोल्ड का प्राइस बढ़ जाना, इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने, जैसे इंडिया का RBI होता है तो उनका फेडरल रिजर्व होता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उसके बावजूद भी जो लोगों का, कंट्रीज़ का डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो नहीं हुआ, वो लगातार हो रहा है। तो उधर अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा ना, क्योंकि अगर आपका डॉलर से लोग दूर चले जाएंगे तो अमेरिका की जो हेगेमनी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। अमेरिका भी अपनी चाहता है कि उसकी लठैतपना बना रहे, ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ करता ही है। तो उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी कि कंपनीज़ जो हैं, देखिए अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए कि इंडिया में 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कि कोई अगर इन्वेस्ट करेगा तो 5% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये अगर वो जमा करेगा, कोई कंपनी जमा करेगी तो 5 रुपया उसको मिलेगा, उधर अमेरिका ने 6% को कर दिया अपने इंटरेस्ट रेट को, तो किसकी तरफ लोग जाएंगे, तो ये 100 रुपये यानी कि FIIs जो होंगे पढ़ते रहेंगे, अभी हम लोग आगे और करेंगे, एक तो अपने FDI होता है, एक होता है FII, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो जिनका काम होता है कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना बस, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, जहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाएंगे। तो चूंकि अमेरिका के अंदर ये हुआ है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया अपना, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की।
चलिए अब इसी बीच में दो और फैक्टर आए। फैक्टर क्या आया कि रशिया और चाइना ने भारी तादाद में गोल्ड को खरीद लिया, भारी तादाद में गोल्ड खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमेरिका से गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि अमेरिका जो है लगातार सैंक्शंस लगाता रहता है। भाई जो अमेरिका की बात मानता नहीं है तो अमेरिका सजा देने के लिए सैंक्शन लगा देता है। सैंक्शन मतलब क्या है कि बैन लगा देता है। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, सब उसने बोल दिया कि भाई रशिया के पर हम सैंक्शन लगा देंगे, आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो चूंकि डॉलर पे सब कुछ होता है तो रशिया की तो हालत ख़राब हो जाती है। इससे पहले ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो अपनी अपने को दिखाने के लिए, अपनी चीज़ों करने के लिए डॉलर को एज अ वेपन, डॉलर को एज अ वेपन, करेंसी को एज अ वेपन यूज़ करता है। इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी वेपनाइजेशन। करेंसी वेपनाइजेशन बोलते हैं कि करेंसी को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाए जियोपॉलिटिकल एजेंडा के अंदर। अब ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लोग जो कंट्रीज़ हैं वो सोचते हैं कि बुरे वक्त पे अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा या हमें वो कंट्रोल कर सकता है, इसलिए दूसरा रास्ता निकालने की वो कोशिश लगातार करते रहते हैं। अच्छा, अब जो ये डॉलर का रेट कम हुआ, डॉलर जो यूरो के खिलाफ नीचे गिरा, इसका एक कारण ये भी रहा कि जो ये सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स हुआ और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ, ठीक है, तो वहाँ के फेडरल रिजर्व ने बोला कि भाई ये टेम्परेरी घटना है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है और ये टेम्परेरी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने फिलहाल काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। चलिए, अच्छा, अब क्या सचमुच अमेरिका के डॉलर को कंट्रोल करना या पिछाड़ देना आसान काम होगा? तो पहले बात करते हैं चाइना की, क्योंकि चाइना सबसे आगे उछल रहा है। तो चाइना के साथ कहानी क्या है कि भाई चाइना का ना तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है। चाइना तो मोहल्ले का वो लड़का है, ठीक है, जिसके साथ खेलने के लिए मम्मियाँ मना करती हैं कि भाई मत खेलो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम कि सारे गेम जो है उसी के पास हैं। क्या ना, मोहल्ले में अगर क्रिकेट मैच होता है तो बैट भी उसी के पास है, बॉल भी उसी के पास है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव रोल प्ले कर देता है आपके, और यहीं से वो डेट ट्रैप में फंसा देता है। और डेट ट्रैप में फंसाने के कारण चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है वो लगातार जो है निशाने पर रहती है। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि किसी को लोन, इतना किसी को पैसे दे दो कि बेचारा वो लौटा ही ना पाए, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ हैं, अभी श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इतना तुम पैसा दे दो कि ज़्यादा वो चुका ना पाए और फिर क्या करें, मजबूरी में आकर वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत चीज़ों को करें। जैसे कि आपने किसी को लोन दे दिया, अब वापस चुका नहीं पा रहा है, तो इसके बदले में आप कुछ ना कुछ बोला, अच्छा एक काम करो, तुम मुझे अपनी साइकिल दे दो, तुम मुझे अपना ये दे दो, तो पोर्ट ले लिए, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें करा सकता था, ठीक है, वो श्रीलंका से कराया जा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी चाइना के खिलाफ जाती है। चाइना भी पैसे को, लोन को, डेट को एज अ वेपन इस्तेमाल करता है जियोपॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर दूध का धुला कोई नहीं है। अमेरिका अगर करेंसी को वेपनाइज कर रहा है तो चाइना भी डेट को वेपनाइज करता है, ठीक है। अब उस लेवल पर नहीं करता, लेकिन कर तो रहा है, फंसा तो रहा है। कई कंट्रीज है, पाकिस्तान देख लो, फंस गया बेचारा चाइना के चुंगल में, श्रीलंका फंस गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ भागती हैं इस चीज़ों को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि चाइना का एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ ना वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत ही मैनिपुलेटिव है और रिस्ट्रिक्टिव है। चाइना के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो तेज़ी से फ्लो नहीं करती है। अब अमेरिका की तो हमने सारी हमें पता, इनसाइड आउट खबरें रहती हैं कि क्या चाइना अमेरिका कर रहा है, क्या उसमें हो रही है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। चाइना कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना क्या बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, कुछ भी नहीं पता होता। जब ऐसे कुछ नहीं पता होता तो चाइना की करेंसी को हम स्टैंडर्डाइज कर देना या इंटरनेशनल कर देना या उस पर बहुत भरोसा कर लेना या डॉलर से रिप्लेस कर देना, डॉलर को रिप्लेस करते उस करेंसी से, वो तो बड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि बड़ा मैनिपुलेटिव है, कुछ क्लियर ही नहीं है। कंट्रीज वो डेटा देता ही नहीं, अपनी इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, तो ऐसे में बड़ी समस्या आती है। उधर चाइना के साथ एक समस्या और भी है कि भाई चाइना की जो है वो पॉपुलेशन अपने आप कम हो रही है, भाई मतलब कम हो गई है। वन चाइल्ड पॉलिसी में चाइना की पॉपुलेशन कम हो गई है, प्लस इतनी कम हो गई कि रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1, यानी कि एक महिला 2.1 बच्चों को पैदा करे तो रिप्लेसमेंट एक रेशो रहता है, उससे भी कम हो गई है। या इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि कितने बच्चे एक सिस्टम में आए और कितने बच्चे, जैसे कि मान लीजिए कि 100 लोग मरे या सिस्टम से बाहर गए तो 100 लोगों की एंट्री हो गई, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशो,
ठीक है, और ये होता है 2.1, ठीक है, जिनका 2.1 से कम होता है 1.6 1.7 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो 100 का 100 रह गया लेकिन ये हो गया 90। तो क्या होगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितने भी जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब ऐसे कंट्री हो रही हैं जहाँ पर बुढ़ापा ज़्यादा आ रहा है, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, ठीक है, चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। और अगर ये 2.1 से ज़्यादा होगा, 2.2 2.3 2.4, तो बूढ़े मतलब बूढ़े तो कम होंगे लेकिन जवान लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो हो ये रहा है कि चाइना के अंदर ये पॉपुलेशन जो रेशो है रिप्लेसमेंट वो कम हो गया, इससे क्या हो रहा है कि चाइना का भी भविष्य बहुत उज्ज्वल दिख नहीं रहा एज एन एक्सपोर्ट। अब वो डोमेस्टिक मार्केट या एक्सपोर्ट के लेकर उतना ज़्यादा चीज़ दिखने रही है, तो चाइना के ऊपर भी भरोसा कर पाना या चाइना इतनी आसानी से अमेरिका को रिप्लेस कर जाए वो भी दिखता हुआ नहीं बन रहा है। इसी बीच में अमेरिका की कुछ अपनी स्ट्रेंथ भी है। क्या स्ट्रेंथ है भाई अमेरिका की स्ट्रेंथ है, सबसे पहली बात हो कि अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सपोर्ट रहता है, अमेरिका पे दाव लगाने के लिए हर कंपनी हर इन्वेस्टर तैयार रहता है, क्योंकि कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ओपन सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, पॉलिसीज क्लियर कट कट दिखती हैं। ऐसा नहीं कि एक नेता चेंज हो जाएगा तो पॉलिसी रातों रात चेंज हो जाएगी, नहीं, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, इसलिए सोसाइटी है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो एक सिस्टम है, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो कि इन्वेस्टर को पसंद आता है, इन्वेस्टर को लगता है भाई। जैसे मान लो कि आज लेट सपोज इंडिया की बात कर लेते हैं, आज मोदी जी हैं, मान लो अगले साल मोदी जी चुनाव हार जाएं, राहुल गांधी बन जाए, अब अगर राहुल गांधी बनते और अचानक से रातों रात पॉलिसी चेंज कर देते हैं तो वो तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा ना। कंपनियां जो आती हैं इन्वेस्टमेंट करने आती हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आती हैं, आप रातों रात सब कुछ चेंज कर दो ये भी तो सही नहीं होता है। इसीलिए देखोगे कि मैक्सिमम चीज़ कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिसीज होती हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, पार्टीज़ कोई भी चेंज हो, अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सब कुछ बदल देते हैं, बदलते हैं बट धीरे धीरे करके अपनी तरफ से इनपुट बढ़ाते हैं। यहाँ इनफैक्ट मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी भी आए तो कुछ अपना इनपुट बढ़ाया है, बिल्कुल से चेंज कुछ नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल चेंज कर देने में दिक्कत आ जाती है। तो पहली बात तो है अमेरिका को अनपैरेलल इन्वेस्टर सपोर्ट रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, यहाँ पर मिनिमम कैपिटल कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम से कम है, ये सब चीज़ें जो हैं अमेरिका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इसीलिए अमेरिका का जो डॉलर है अभी भी नंबर वन बना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डी डॉलराइजेशन को लेकर कि भाई इसका पीछे एक संदर्भ क्या है, पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सचमुच अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस कर देना इतना आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपने न्यूज़ सुन रहे होगा कि इंडिया वाले भी जो हैं कई कंट्री से ट्रेड रुपीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, वो सुनने में आ रहा कि 18 कंट्रीज़ ने टाई अप कर लिया है रुपीज़ को लेकर कि हम आपको ट्रेड रुपीज़ में कर पाएंगे, वो ठीक है, अगर कर कंट्रियाँ इंडिया के रुपी को इतना एक्नॉलेज कर रही हैं तो रुपी भी जो इंटरनेशनल करेंसी बनेगा, इससे फ़ायदा इंडिया को होगा, एक साख बनती है और चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन डॉलर को अभी फिलहाल कोई भी रिप्लेस कर नहीं पाएगा, हाल फिलहाल तो नहीं है, भविष्य में क्या होगा देखते हैं इसके अंदर। अब आज का करंट अफेयर यही था, उम्मीद करता हूं करंट अफेयर पसंद आ गया होगा। खत्म होने से पहले दोस्तों ऑनलाइन कोर्स जो UPSC 2024 का है वो स्टार्ट हो चुका है, प्री प्लस मेंस कोर्स है, वीडियो PDF टेस्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, फीस 5,999 रुपये है, 9919521555 पर कॉल करके इस कोर्स के अंदर दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।